अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा और टेस्टी सा सालन, जिसको हम बनाएंगे चने से, जो आजकल आ रहे हैं देसी चने, हरे चने, उसका सालन बनाएंगे हम। और उसके साथ डालेंगे हम आलू। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये सब्ज़ी, तो सीज़न के टाइम पे एक बार आप ज़रूर इसको बना कर देखें। अभी बहुत अच्छे चने आ रहे हैं, तो एक बार हम इसको ज़रूर बना कर देखेंगे, क्योंकि सीज़न में आने वाली सब्जियों को हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ले लिए हैं यहाँ पर 3 बड़े प्याज ले लिए हैं, जिसको मैंने पेस्ट बना लिया है, और 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए, जिसका मैंने पेस्ट बनाकर प्यूरी बनाकर तैयार कर ली है। 1-1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है। बघारने के लिए हमने ले लिया है गरम मसाला, जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, सिया जीरा, लौंग इलायची ले लिया है। तेल रख दिया है हमने, 2 चम्मच गरम होने के लिए रख दिया है, जो अच्छे तरीके से गरम हो गया है। इसके अंदर हम गरम मसाला डाल देंगे। इसके बाद हम अपना प्याज का पेस्ट डाल देंगे, इसी के साथ हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे इसमें, और ये टमाटर की प्यूरी भी साथ में डाल देंगे। साथ में सारा मसाला डालने से ही जल्दी से भून जाता है। इसके अंदर हम अपने सूखे मसाले भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर हम नमक डाल देंगे। जब तक हमारा मसाला भुन रहा है, तब तक हम ये आलूओं को छील कर काट लेंगे। ये आलूओं को छील कर हमने कट कर लिया है और बड़े बड़े पीसेस काट कर इसको हमने पानी में भिगो दिया है। पहले अच्छी तरीके से हमने इसको वॉश कर लिया था ताकि काले ना पड़े, और इसको हमने पानी में डाल दिया है। अब हम अपना मसाला चेक कर लेते हैं। मसाला हमारा अच्छी तरीके से बन चुका है। अब हम इसके अंदर अपने आलू और चने डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम इसके अंदर। इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे और हम 2 सीटियां लगा देंगे इसको गलाने के लिए। फिर चने और आलू भी हमारे मसाले के साथ अच्छी तरीके से भून चुके हैं। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, जितना हमें ग्रेवी चाहिए होगी उसके हिसाब से चेक कर लेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा। अब हम इसमें 2 सीटी तेज आंच पर दे देंगे, जिससे हमारी आलू और चने गल जाएंगे। उसके बाद हम इसको खोल कर देखेंगे। तो प्रेशर हमारा रिलीज हो चुका है कुकर का। ढक्कन खोल के देख लेते हैं हम, और हरा धनिया डाल देते हैं इसके अंदर। बेहतरीन से हमारे आलू और चने दोनों अच्छी तरीके से बेहतरीन गल चुके हैं ये। इसके अंदर हम हरा धनिया डाल देंगे। तो आलू और चने पककर हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए क्या खूबसूरत कलर आया है इसका, और खाने में भी उतने ही मजेदार हैं जितने कि ये देखने में खूबसूरत हैं। तो एक बार आप मेरी तरीके से ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, और कमेंट्स कर मुझे बताएं कि ये आपको कैसे लगे। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स कर ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।